आज की इस वीडियो के जरिए टॉप 5 ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप डेटा साइंस का कोर्स करने के बाद गेट कर पाएंगे। आज की इस वीडियो के जरिए हम उन टॉप 5 जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है तो इसके लिए WS क्यूबटेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप हमारी 2 डेमो फ्री क्लासेस ले सकते हैं। Hey everyone, once again, welcome to WS CubeTech, myself Gaurav, और आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको टॉप 5 ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप डेटा साइंस सीखने के बाद गेट कर पाएंगे। तो वो जॉब कौन कौन सी है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर जॉब आती है दैट इज अ डेटा साइंटिस्ट की जॉब। यस, डेटा साइंस सीखने के बाद में आप डेटा साइंटिस्ट की जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप डेटा साइंस का यदि पूरा कंप्लीट कोर्स करते हैं तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं और उसके बाद में आप डेटा साइंस की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको जो डेटा साइंस की फील्ड के अंदर जो चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी वो कंप्लीट डेटा साइंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी या आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ले सकते हैं। उसके बाद में डेटा क्लीनिंग, डेटा फिल्टरिंग, आपका डेटा के अंदर प्री प्रोसेसिंग एंड उसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आपके पास ओपन सीवी मतलब इमेज प्रोसेसिंग या टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप कंप्लीटली एक डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे और डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद में आप यहाँ पर डेटा साइंस की जॉब को गेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी सेकंड जॉब के ऊपर जो कि है डेटा एनालिटिक्स की जॉब। यस, आप डेटा एनालिटिक्स की जॉब कर सकते हैं डेटा साइंस सीखने के बाद में। इसके लिए जो आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको रहेगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आप पाइथन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी डेटा क्लीनिंग की, डेटा विजुअलाइजेशन की और इसके साथ साथ एक्सेल की कुछ नॉलेज आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो बेसिकली आप डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जॉब कर सकते हैं जिसके अंदर आप डेटा के एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब डेटा की एनालिसिस का मतलब यहाँ पर डेटा के अंदर ट्रेंड्स को निकाल सकते हैं, डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डेटा के अंदर किस तरह का पैटर्न्स है उस पैटर्न्स को आप निकाल सकते हैं। तो आपकी जो सेकंड जॉब रहने वाली है वो रहेगी डेटा एनालिसिस की। थर्ड जॉब की रहने वाली है वो आपके पास है BI एनालिसिस की, जो कि होती है बिजनेस इंटेलिजेंस की आपके पास जॉब होती है, या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस एनालिसिस की जॉब आपके पास होती है। इसके अंदर आपको जरूरत पड़ती वाली है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसके बाद डेटा क्लीनिंग की, डेटा प्री प्रोसेसिंग की और डेटा विजुअलाइजेशन की। इसके लिए आप पाइथन एंड पाइथन की जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, नमपाई, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए एंड इसके साथ साथ आपको बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसके अंदर आप पावर BI एंड टैबलू इन दोनों में से किसी एक को चूज करके आप अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स बनने से पहले आपको बिजनेस की डीप नॉलेज होनी जरूरी है। यदि आप बिजनेस एनालिटिक्स बनते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर वर्क करते हैं और उस डोमेन के अंदर वर्क करने से पहले उस डोमेन की परफेक्टली पूरी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डेटा साइंस का कोर्स करने के बाद में आप बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हैं। फोर्थ जॉब जो है आपके पास यहाँ पे वो है स्टैटिस्टिशियन की। यस, आप यहाँ पर डेटा साइंस के अंदर स्टैटिक्स सीखते हुए स्टैटिकन की आप जॉब गेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डेटा साइंस के अंदर आपकी जो मैथमेटिक्स है या फिर डेटा साइंस की जो कोर नॉलेज है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कैसे बिल्ड करते हैं और आप नई एल्गोरिथम कैसे बना सकते हैं उसके थ्रू काम करते हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर बेसिकली डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करते हैं, न्यूरल नेटवर्क को कैसे बिल्ड करना है, आगे न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाना है, इन सब की जॉब के ऊपर आप गेट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर जॉब जो है यहाँ पर दैट इज अ डेटा इंजीनियर। यस, आप डेटा इंजीनियर की जॉब कर सकते हैं जिसके अंदर डेटा साइंस के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा होता है वो कैसे लाना है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, इवन दैट SQL के अंदर डेटा को मैनेज करना, सर्वर पे डेटा को मैनेज करना और डेटा को प्री प्रोसेस करने जैसे वर्क होते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है SQL की एंड इसके साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आप पाइथन को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डेटा क्लीनिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर डेटा इंजीनियर बन सकते हैं जिसके लिए आपको जो भी डेटा साइंटिस्ट को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये थी वो टॉप 5 जॉब जो कि डेटा साइंस का कोर्स करने के बाद आप गेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हमारी अगले वीडियो के साथ जहां पे हम और भी मजेदार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।